हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर जितेश। सो ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा HSC स्टूडेंट महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। आपके लिए गुड न्यूज़ भी है और एक आपके लिए बैड न्यूज़ भी है, बिकॉज आपके दो जो 5th मार्च और 7th मार्च में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले थे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड लैंग्वेज, सभी की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती है, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज जिन्होंने भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किए रहेंगे, आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। मार्च में जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले थे, ऐसा ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है। क्या ये डिसीजन सही है? बिकॉज ये डिसीजन क्यों लिया गया है, एक दिन पहले जो आपके पेपर्स जिसमें डिस्पैच होके जा रहे थे, वो ट्रक पे कुछ एक्सीडेंट के कारण आग लग गई थी, तो सारे पेपर ख़राब हो गए। तो अब न्यू पेपर के लिए फिर से कमेटी बनाई जाएगी, फिर से क्वेश्चन पेपर सेट हो गए। इट विल टेक ए समटाइम्स, और अब बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसके लिए डिसीजन लेना पड़ा उन लोगों को कि आपके एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है, और पोस्टपोन भी इतने टाइम के लिए कर दिया कि स्टूडेंट एकदम ब्लॉक हो गए, कहीं जाने के नहीं लगे। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, आफ्टर कंप्लीटिंग एग्ज़ाम्स, जैसे उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको अदर कोर्स करना होता है या कहीं और जाना होता है समथिंग, लेकिन अब वो 7 तारीख तक, अप्रैल के 7 तारीख तक नहीं जा सकेंगे। बिकॉज जो आपके 5th मार्च के जो पेपर थे, डेट इज़ हिंदी, जर्मनी, जापान, चीनी, जो भी आपके, और 7th मार्च के जो पेपर थे आपके मराठी, गुजराती, कन्नड़, सिंधी और उर्दू, फ्रेंच, जो आपके सेकेंड सेक्शन में पेपर थे, सारे के सारे पेपर को उन लोगों ने, जो ये पेपर होने वाले थे सेकेंड सब्जेक्ट, सेकेंड लैंग्वेज, उसको पोस्टपोन करके 5th मार्च के इंस्टीट्यूट इन लोग ने क्या कर दिए, 5th अप्रैल, 1 मंथ खाली एक सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट्स को वेट करना होगा। और जो 7th मार्च को एग्ज़ाम होने वाला था, वो होगा आपका 7th अप्रैल, डेट इज़ अ थर्सडे, और जो 5th अप्रैल होगा, डेट इज़ अ ट्यूसडे। अब इतने दिन तक आपके एग्ज़ाम्स रहेंगे, डैट मीन्स आपके जो पेपर 16, 17 को जो ख़त्म होने वाले थे, अब उसको एक 10 दिन और आप समझ जाओ बढ़ गए हैं। तो आपको क्या लगता है, ये डिसीजन उन लोगों को सभी पेपर को पोस्टपोन करना चाहिए था, ताकि स्टूडेंट्स को और समय मिल सकता था, जिससे वो अपनी स्टडीज़ को क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके। अब आपको जो भी लगता है, प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और भी ऐसी अपडेट के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके दबा के एकदम अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट जो भी मिलती रहेगी हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।